नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुंबई स्पेशल मसाला पाव भाजी, जो मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है। उसको देखते ही खाने को मन हो जाता है, वैसा एकदम सुपर और टेस्टी। तो चलो बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें कुकर में आधा ग्लास पानी गर्म करने रखना है। उसमें पाव किलो फ्लावर, एक शिमला मिर्च और एक बड़ा आलू कट करके डाल देना है। पीसेस बड़े बड़े हो गए तो भी चलेगा। फिर उसमें आधा कप मटर डाल देंगे। फिर उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी डाल के सब चीज को अच्छे से मिला लेंगे। सब चीज एकदम मिलाने के बाद फिर उसको ढक्कन लगा के 3 सीटी करना है, जब तक सब वेजिटेबल अच्छे से बॉईल ना हो जाए। 3 सीटी के बाद कुकर को बंद कर दीजिए और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए, अपने आप भाप निकलने तक। चलिए, उसके लिए आगे हमें और चाहिए 2 टमाटर की प्यूरी, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले में हमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक चाहिए। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डाल दीजिए, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, फिर उसमें 2 प्याज कट किए हुए डाल दीजिए। अब प्याज को हमें भूनना है, सिर्फ गुलाबी रंग आने तक, हमें उसे गोल्डन नहीं करना है। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक 1 मिनट तक भून लीजिए। सब कुकिंग हमें मीडियम फ्लेम पे करनी है। अब उसमें थोड़ा बटर डाल दीजिए, क्योंकि बटर के बिना तो पाव भाजी अधूरी है और बटर से पाव भाजी में बहुत टेस्ट आता है। फिर उसमें हमारे ड्राई मसाले हैं, सब डाल दीजिए और कमी आँच पर 1 मिनट तक भून लीजिए। 1 मिनट तक भूनने के बाद मसाले में से तेल छूटने लगेगा। फिर उसमें हमें टमाटर, जो हमने मिक्सर में ग्राइंड किए हैं, या फिर आपको उसको कद्दूकस भी कर लीजिए और उसको मसाले में मिला लीजिए। आंच हमें मीडियम रख के 2 मिनट तक ढक के रख दीजिए, जिससे हमारा टमाटर का पानी सूख जाए और मसाला एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से पक जाए। पाव भाजी का मसाला मेन यही होता है, जो ये अच्छे से पकेगा तो हमारी पाव भाजी खाने में बहुत सुपर टेस्टी लगती है। फिर उसमें थोड़ा रंग देने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो कश्मीरी है, वो डालना है और उसको मिला लीजिए। उसमें तीखापन तो नहीं होता है, लेकिन वो सब्जी में कलर अच्छा देता है। फिर उसमें बॉयल किए हुए सब वेजिटेबल डाल दीजिए। वेजिटेबल डालने के बाद उसको अच्छे से सब मिक्स कर लीजिए। फिर उसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दीजिए। फिर इसको मैशर से मैश कर दीजिए, ताकि सब मसाला वेजिटेबल अपने में सब एक मिक्स हो जाए और एक मस्त टेस्टी सुपर पाव भाजी बन के रेडी हो जाए। इन सब को मिक्स करने के लिए 2-3 मिनट तक अच्छे से कूट लीजिए। 2-3 मिनट कूटने के बाद फिर उसमें 1/2 नींबू का रस और थोड़ा धनिया डाल दीजिए। फिर सब चीज को मिला लीजिए। लीजिए हमारी सुपर टेस्टी और फटाफट बनने वाली मुंबई स्टाइल पाव भाजी बनके रेडी है। फिर उसमें थोड़ा बटर डाल दीजिए और ढक के 2 मिनट के लिए और रख दीजिए। लीजिए, हो गई हमारी पाव भाजी रेडी। आप उसको पाव के साथ खा सकते हैं।
चलिए अब हम पाव को भी थोड़ा सेक लेते हैं, क्योंकि सेके हुए पाव से पाव भाजी और टेस्टी लगती है। एक पैन में थोड़ा बटर डाल दीजिए, उसमें लाल मिर्च पाउडर या आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा धनिया डाल दीजिए। बटर को मेल्ट होने तक थोड़ा मसाले को भी थोड़ा बटर के साथ भून लीजिए, गैस हमें स्लो रखना है। फिर उसमें दो पाव को बीच में से कट करके डाल दीजिए। पाव को गरम कर लीजिए और दोनों साइड पे थोड़ा कुरकुरा या फिर गोल्डन कलर आने तक प्रेस कर करके बटर और थोड़ा डाल के अच्छे से गरम कर लीजिए। हो गया हमारा मसाला पाव एकदम रेडी, जो खाने में तो टेस्टी होगा ही और पाव भाजी के साथ ये तो बोनस मिल जाता है। लीजिए हमारी पाव भाजी और पाव सेक के रेडी है। आप इनको कभी भी कहीं भी खा लीजिए और आपको इसके साथ कोई दूसरी चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे बेटे को तो रहा ही नहीं गया, देखो वो तो वीडियो बनाते बनाते ही खाने लगा, क्योंकि मेरे बेटे की ये फेवरेट सब्जी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।